जिंदगी में हमें हमेशा अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और कड़वी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन दो भाई थे और परस्पर बड़े स्नेह और श्रद्धा पूर्वक रहते थे। बड़ा भाई कोई भी वस्तु लाता तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाता। छोटा भाई भी सदा उनका आदर करता और सम्मान की दृष्टि से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार ही पड़ती गई। उस दिन से ही दोनों भाई अलग अलग रहने लगे और कोई भी किसी से नहीं बोलता। कई वर्ष बीत गए, मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि से बचाते जाते। छोटा भाई उसकी कन्या का विवाह आया। उसने सोचा अंत में बड़े तो बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ इनकार कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे बड़े भाई को मना कर लाया जाए। इधर विवाह बेहद ही समीप था, संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की और गहरा पश्चाताप भी व्यक्त किया। प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार से मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ एक कन्या का विवाह है, तो तुम क्या क्या कार्य संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे कुछ ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिए थे उसमें क्या बतलाया गया था? बड़ा भाई मौन हो गया, कहा, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह से याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने के बाद भी उसे वह विषय याद नहीं आया। संत बोले, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम 8 दिन में भी भूल गए और याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे वचन जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वह तुम्हें अभी भी हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे और जीवन नहीं सुधरेगा? तब सत्संग में आने का लाभ क्या है? उन्होंने कहा, कल से यहां मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। तब उसने चिंतन किया और देखा कि वह गलत मार्ग पर है। उसने संत के पैर नवारे और कहा, गुरुजी, मैं गलत मार्ग पर चल रहा था, मुझे अपने बड़े भाई को माफ करने में ही मेरा बड़प्पन है। फिर वो वापस अपने भाई के पास गया और माफ किया और जिंदगी में आगे बढ़ गया, विवाह में भी कार्यभार संभाला। तो इस कहानी से आपने सीख ली होगी, कभी भी इंसान को जिंदगी में कड़वे वचन याद रखकर ना अपने रिश्ते को खराब करना चाहिए और ना ही किसी से बैर बनाना चाहिए। इसीलिए हमें कड़वे वचन को भूल जाकर किसी को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए और हमेशा अच्छी बातों को याद रखें और कड़वे और बुरे वचनों को हमेशा भूल जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।